तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि गन्ने की पर्ची जो है कैसे देख सकते हैं, यानी कि पर्ची कब आएगा, आया है कि नहीं आया है, कैसे देखना है। ठीक है, तो करना क्या गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सिंपली उसी प्रोसेस को आपको क्या करना है फॉलो करना है। तो एक्चुअली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप अपने गन्ने की पर्ची को जो है कैसे देख सकते हैं, लाइव आप लोग के सामने जो है देख के बताएंगे। ठीक है, तो करना क्या गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, प्ले स्टोर चले जाना है और एक एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है ई गन्ना। ठीक है, ई गन्ना एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ई गन्ना जैसे लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ई गन्ना के एन यू पी यहाँ पे आया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे इस एप्लीकेशन को। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ, मेरे फोन में ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ। और जैसे अगर आपको लोगों में डाउनलोड नहीं रहेगा तो आप लोग डाउनलोड करके उसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद करना कि यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अलाउ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि खुल रहा है, देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे अगर आप न्यू यूजर हैं, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर फार्मर पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप किस जिले में रहते हैं उस जिले का नाम यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो मैं कुशीनगर में रहता हूँ तो कुशीनगर पर आप सर्च किया। तो दोस्तों जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ जहाँ का पर्ची आता होगा वहाँ वहाँ का फैक्ट्री नेम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना कि अपने फैक्ट्री नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा पर्ची जो हाटा से आता था, हाटा से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे हाटा सेलेक्ट किया, यानी कि अगर आपको गाँव का कोड मालूम रहेगा, विलेज कोड, तो आप विलेज कोड डाल लीजिएगा। अगर आपके गाँव का कोड नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सर्च करके आप गाँव का कोड जो है मालूम कर सकते हैं। अगर आपको फार्मर कोड पता है और गाँव का कोड पता है तो यहीं से आप विलेज कोड डाल के और फार्मर कोड डाल के जो है पर्ची देख सकते हैं आया कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च बाई नेम पे क्लिक करना है और सर्च बाई नेम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप कौन से गाँव रहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कुशीनगर में जितना भी गाँव रहेगा सारा गाँव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, तो मैं बीजापुर में रहता हूँ तो बीजापुर में यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, बीजापुर जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बीजापुर बेलभरिया में मैं रहता हूँ, उस पर सेलेक्ट किया और देख सकते हैं विलेज कोड यहाँ पे 64 06 दिखा दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करता हूँ और फार्मर कौन सा पर्ची मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम सर्च कर लेता हूँ जिसके नाम से मैं पर्ची देखना चाहता हूँ। मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे नाम जो है सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जिस नाम से मैं पर्ची देखना चाहता हूँ। यहाँ पे फार्मर कोड भी दिखा दिया, फार्मर कोड 99 और 64 06 जो है गाँव का कोड इस तरह दिखा दिया। इस पर कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे तो गाइस जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नाम का पर्ची जो है आ चुका है। उसके बाद करना क्या गाइस, अगर आपको पर्ची देखना है इसमें तो करना क्या, यहाँ पे मेन कैलेंडर पे क्लिक करना है और मेन कैलेंडर पे जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका पर्ची आया रहेगा तो स्टार स्टार लगा रहेगा। ठीक है, अगर स्टार स्टार 4 ग्रुप लगा है तो समझ लीजिए एक पर्ची आया है। और पर्ची कब आएगा यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, 8वां पक्ष के यानी कि चौथा कालम में आएगा। ठीक है, ये चौथा कालम है यहाँ पे और ये 8वां पक्ष है। तो जब आप सेंटर पे पता करेंगे कौवा पक्ष चल रहा है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि अपने अनुमान से कि कब पर्ची आएगा। ठीक, यहाँ पे टोटल इशू दिखा रहा है। ठीक है, टोटल इशू पर्ची, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और दिखा रहा है, देख सकते हो ये पर्ची जो है 11 दिसंबर का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है और ये वेट है यानी कि तोला गया है। ठीक है, अनवेट रहेगा तो नहीं तोला गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पर्ची देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपका फैक्ट्री दिखाएगा हाटा का है, इसमें जो है कौन सा मोबाइल नंबर दिया गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखा रहा है, लास्ट में 3250 है और अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉली पर्ची है, सेंटर नेम भी दिखाएगा और यहाँ पे गांव का नाम दिखाएगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा। ठीक है, जिस नाम से आप देखना चाहते हैं, कितना केजी तौल हुआ है यहाँ पे भी दिखाएगा। ठीक है, तो वह जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊँ सिंपली उसी प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है गन्ने की पर्ची जो है देख सकते हैं आया है कि नहीं आया। तो वह वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।